हेलो फूडीज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूडीज फूड पे। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है बहुत ही टेस्टी सी मखाना और ड्राई फ्रूट की पंजीरी। इसे जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण जी के बाल रूप को भोग लगाने के लिए बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आराम से बनने वाली एक इंस्टेंट सी रेसिपी है जिसे हम सिर्फ 10 मिनट में बना के तैयार करेंगे। चलिए ये रेसिपी शुरू कर लेते हैं। एक प्लेट में मैं ले लूँगी 1.5 कप के करीब मखाना, जिसे इंग्लिश में लोटस सीड्स या फॉक्स नट्स भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी पंजीरी होती है जो फलाहारी होती है, जिसे व्रत में आप ही खा सकते हैं और श्री कृष्ण जी को भोग भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सूखा नारियल होता है यानी कि गोला, उसे आप छील के कस लीजिए। इसी तरीके से मैंने ये 1 कप नारियल का बुरादा बना लिया है। और फ्रेंड्स, ये अलग से कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। एक मुट्ठी मैंने ली है अखरोट, 1 टेबलस्पून मैंने लिए हैं कटे हुए पिस्ता, 1.5 मुट्ठी मैंने ली हैं काजू और 1 मुट्ठी बादाम ले लिए हैं। अब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप ले लें। इन सभी चीज़ों से हम अपने फूल मखाना और ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी बना के तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे घी मैंने ले लिया है, इसे मेल्ट होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स, घी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। मैंने इसमें डाला है काजू, बादाम और अखरोट। इन तीनों को हम अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे घी में। मीडियम फ्लेम ही हमें रखनी है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी और इनका कलर हमें चेंज नहीं करना, ज़्यादा इन्हें भूनना नहीं है ना ही चलाना है, बस हल्का सा 1 से 2 मिनट हम इन्हें लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ड्राई फ्रूट्स हमारे हो चुके हैं। ये जो है पिस्ता, इसे भूनने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पिस्ता हो गया या खरबूजे के सीड्स हो गए, उन्हें आपको भूनने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही चल जाते हैं। अगर आपको भूनने हैं तो थोड़ा सा आप सिर्फ 30 सेकेंड के लिए भूने, उससे ज़्यादा ना भूने। तो फ्रेंड्स, ये मेरे तैयार हैं ड्राई फ्रूट्स, रोस्ट हो चुके हैं। अब इन्हें मैं अलग से किसी प्लेट में निकाल लूँगी, तो बस इतना ही इन्हें रोस्ट करना है। स्लो या मीडियम फ्लेम पे आप रोस्ट कर लें, जलाना नहीं है ना ही इनका कलर चेंज करना है। इस तरीके से इन्हें रोस्ट करने से घी में इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और हमारी पंजीरी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। फ्रेंड्स, इन्हें ठंडा कर लेंगे हम थोड़ी देर, ऐसे ही रख देंगे एक तरफ को उठा के। और फ्रेंड्स, अब इसी घी में, और घी हमें नहीं डालना है, बस 2 टेबलस्पून घी ही हमारी सारी रेसिपी में यूज़ होगा। तो इसी बचे हुए घी में हमने अपने मखाने डाल दिए हैं और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से हम मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। जब लगे कि हल्के से ब्राउन होने लगे हैं तो उसी टाइम पे आप इन्हें निकाल लीजिए, ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करना, ना ही इन्हें ब्राउन करना है, ना ही इन्हें जलाना है। तो हमें इन्हें सिर्फ क्रिस्प करना है अच्छे से। तो काफ़ी अच्छे से ये घी में क्रिस्प हो जाएंगे जब इस तरीके से इन्हें भूनेंगे हम। तो लगातार इन्हें चलाते हुए आप इस तरीके से रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए अच्छे से। तो ये हमारे तैयार हैं, इन्हें अलग प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने तैयार कर लिए हैं, एक तरफ को इन्हें रख देंगे। और फ्रेंड्स, ये जो हमारे ग्रेटेड नारियल है 1 कप, इसे ऐसे ही हम कढ़ाई में डालेंगे और लगातार चलाते हुए 30 सेकेंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। सूखा ही रोस्ट करना है, इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना क्योंकि खुद से ही इनमें ऑयल होता है। तो बस 30 सेकेंड के लिए हम इन्हें करेंगे रोस्ट और निकाल लेंगे बाहर। इससे इसमें बहुत ही अच्छे से खुशबू आ जाएगी और इनकी सारी नमी बाहर निकल जाएगी ड्राई फ्रूट्स की। तो फ्रेंड्स, ये तैयार है, इन्हें निकाल देंगे हम एक अलग प्लेट में। तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और फ्लेवरफुल सी फूल मखाना और ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी बनाने के लिए इसी तरीके से आप भी अपने ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करिए, जैसे मैंने किया है। किसी को घी में रोस्ट किया है, किसी को ड्राई रोस्ट किया है, तो इसी तरीके से आप भी बनाएंगे तो आपकी पंजीरी बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी और 1 महीने तक चल जाएगी। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने अपने रोस्ट कर लिए हैं और ठंडे कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स, अपने जो मखाने हैं उन्हें हम लेंगे और ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे, उन्हें हम पीसेंगे, थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। देखिए, नारियल भी मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है।
तो देखिए एकदम से ये क्रिस्प हो चुके हैं और इन्हें ग्राइंडिंग जार में डाल के हमें पल्स मोड पे पीसना है। तो फ्रेंड्स अपने मखाने मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल लिए हैं और इन्हें मैं पल्स मोड पे ग्राइंड कर लूँगी। पल्स मोड पे ग्राइंड करने का मतलब ये है कि या तो आपके में पल्स मोड होगा मिक्सर में, अगर नहीं है तो आप इन्हें रोक के ग्राइंड करें, यानी कि पहले ग्राइंड करें फिर रोकें, फिर ग्राइंड करें फिर रोकें, फिर से ग्राइंड करें। अगर लगातार आप इन्हें ग्राइंड करते रहेंगे तो क्योंकि मखानों को हमने घी में फ्राई किया है तो इसका एक पेस्ट बन जाएगा लगातार इसे ग्राइंड करने से, इसलिए इसे ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा गैप देंगे और फिर ग्राइंड करेंगे, तो इससे इसका पाउडर बनेगा, पेस्ट नहीं बनेगा। ये हमारा थोड़ा सा दरदरा सा, थोड़ा सा रफ सा, जैसे सूजी की कंसिस्टेंसी होती है वैसा पाउडर बन के तैयार है, ऐसा ही हमें चाहिए। तो अब इसे हम निकाल देंगे अपने अलग एक बड़े से बाउल में। इसी बाउल में हम अपनी सारी चीज़ें डालेंगे क्योंकि सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और पंजीरी बनाएंगे अपनी। तो निकाल लूँगी मैं इसे और फ्रेंड्स इसके बाद हम ग्राइंड करेंगे अपने ये जो काजू बादाम और अखरोट हैं इनको भी थोड़ा सा रफली हम ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इनका भी नहीं बनाना है और इन्हें भी पल्स मोड पे ही पीसना है। पिस्ता को हम रहने देंगे ऐसे ही कटा हुआ, पिस्ता को ग्राइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो काजू बादाम अखरोट को भी इसी तरीके से पल्स मोड पे या रोक रोक के आप ग्राइंड कर लें। पाउडर सा बनाना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसलिए लगातार इसे नहीं चलाना है, रोक रोक के चलाना है। तो रफली ग्राइंडेड इसका एक पाउडर बन चुका है। देखिए इसका भी एक दरदरा सा पाउडर बनके तैयार हो चुका है, ऐसा ही हमें अपनी पंजीरी बनाने के लिए चाहिए। तो फ्रेंड्स इसे भी हम उसी बड़े बोल में निकाल देंगे। सारी चीज़ें हमें इसी बोल में डाल लेनी है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी सी लेते हैं, उससे भी हमारी काफ़ी सारी पंजीरी बन जाती है। तो ये एक कप मेरा ग्रेटेड और रोस्टेड कोकोनट है और ये एक टेबलस्पून कटे हुए पिस्ता हैं, इनको भी डाल लेंगे इसी में। इन्हें मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स अब मैंने लिया है आधा कप के करीब पिसी हुई चीनी, यानी कि पाउडर शुगर। आप चाहें तो बूरा भी इसकी जगह डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक मीडियम सी मिठास के लिए मैंने इसमें आधा कप चीनी डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा भी चीनी को कर सकते हैं। तो अच्छे से ये सारी ही चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। जो भी चीनी की ये मोटी सी डलियां हैं इन्हें हम इस तरीके से तोड़ लेंगे और सबको अच्छे से स्मूथली मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी पंजीरी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी सी फूल मखाना और ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी। इसे जन्माष्टमी पे आप बनाइए, श्री कृष्ण जी भगवान को भोग लगाइए और खुद भी आप खा सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से फलाहारी होती है। तो फ्रेंड्स आप इस जन्माष्टमी को ज़रूर इस रेसिपी को बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए आपकी रेसिपी कैसी बन के तैयार हुई। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर अगली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचाए। ओके फ्रेंड्स इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, बाय।